बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। पहली वीडियो कॉल लेंगे। हजरत जी और महमूद साहब, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। दिस इज फयाज पटवे फ्रॉम बॉम्बे इंडिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे और हजरत जी का साया हम पे हमेशा बनाए रखे, आमीन रब्बुल आलमीन। हजरत जी, आपने हमेशा हमारे लिए दुआ की है और आपसे इस बार भी हम दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से ख़ास दुआ करें कि ये जो दुश्मन है माजिद अली और उसकी जो फैमिली है, उन्होंने जो FIR किया है, झूठे इल्ज़ाम में हमें फंसाया है, अल्लाह से ख़ास दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस दुश्मन को ख़त्म कर दे और जो FIR है वो स्क्वॉश हो जाए, ख़त्म हो जाए, उससे प्रॉब्लम से निजात मिल जाए हमें हमेशा के लिए। और आपने जो वज़ायफ़ कर बताए हैं वो सूरह नूर और सूरह नूह और उसके साथ में या नूरो 768 टाइम्स ईशा के बाद मैं कर रहा हूँ, उसमें कोई अगर चेंजेस हो तो बताइएगा। और दूसरा मसला ये हो गया है हज़रत जी कि ये जो कोर्ट कचहरी और ये जो अच्छे लॉयर्स अपॉइंट करते करते इतना कर्ज़ा हो गया है और क्रेडिट कार्ड का भी कर्ज़ा बढ़ गया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला से कोई ज़रिया पैदा करें कि ताकि ये कर्ज़े से निजात मिल जाए और कोई वज़ायफ बताए ताकि ये कर्ज़े से छुटकारा मिल जाए। और दुआ में हमेशा याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तआला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, आपकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल हों और आपकी मुश्किलात को भी अल्लाह तबारक व ताला आसान फरमाए। आपने जो बताया कि आपका मसला जो है वो दुश्मनों का और दुश्मन जो तंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप नोट कर लें जो शाहतिल वजूह, लफ्ज़ शाहतिल वजूह शीन अलिफ़ और हा और ता और आगे अल वजूह, तो शाहतिल वजूह का माना होता है बिगड़ गए दुश्मनों के चेहरे, बिगड़ गए दुश्मनों के चेहरे, नाकाम हो गए दुश्मनों के चेहरे। तो यह हर फर्ज नमाज के बाद सीधा हाथ उल्टी तरफ से ज़मीन पर मारते हुए उनका तसव्वुर करना है, 5 दफ़ा मारना है, शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह, 5 दफ़ा। फिर उल्टा हाथ मारना है ज़मीन पर, शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह, ये 10 मरतबा रोज़ाना हर फर्ज नमाज पर ये अमल करके अब उसके बाद दुआ करनी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कितनी जल्दी अल्लाह तबारक व तआला उन दुश्मनों को नाकाम करते हैं। और दूसरा जो आपने कहा कि कर्ज़ा बहुत चढ़ गया है, माली परेशानी हो गई है, तो आज ही मैंने जो पहला जो इसम भी इसमें सुबहानी जो आदम अलैहिस्सलाम का मनसूब है उसका जो नफ़ा बताया कि 24 मरतबा 24 टाइम जो है आप इतवार को जो शुरू कर दें, इतवार को तुलुए शम्स के वक्त, और फिर ये 41 डेज ये पाबंदी से करें, 24 मरतबा पढ़ के और दुआ करें, इंशाल्लाह गैब से आपकी मदद होगी और माली खुशहाली नसीब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।